अरुणाचल की 11 जगहों को चीन ने दिया नया नाम, इस पर विदेश मंत्रालय ने दी प्रतिक्रिया। चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 11 जगहों के नाम बदलकर अपने नक्शे में दक्षिणी तिब्बत कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा जताने के अपने नए प्रयास में चीन ने भारतीय राज्य में 11 स्थानों का नाम बदलकर इसे दक्षिणी तिब्बत का नाम दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने अपने जवाब में कहा कि यह पहली बार नहीं है जब चीन ने इस तरह की कोशिश की है। हम चीन के इस कोशिश को सिरे से खारिज करते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविच्छेद अंग है। उन्होंने आगे कहा कि आविष्कार किए गए नए नामों को सौंपने का प्रयास इस वास्तविकता को नहीं बदल सकता। चीन के मिनिस्ट्री ऑफ सिविल अफेयर्स के मंत्रालय ने स्टेट काउंसिल में चीन के कैबिनेट द्वारा जारी किए गए भौगोलिक नामों पर नियमों के बाद चीनी, तिब्बती और फिनयन भाषाओं में मानकृत नाम जारी किए। इस सूची में 2 भूमि क्षेत्रों, 2 आवासीय क्षेत्रों, 5 पर्वत चोटियों और 2 नदियों के साथ साथ उनके अधीनस्थ प्रशासनिक जिलों के लिए सटीक निर्देशक नाम शामिल किए गए हैं। राज्य द्वारा संचालित ग्लोबल टाइम्स ने सोमवार को अपने खबर में बताया कि चीन ने मंत्रालय द्वारा जारी अरुणाचल प्रदेश के लिए मानकीकृत भौगोलिक नामों को यह तीसरा बैच है, जिसमें 2017 में घोषित 6 स्थानों के नामों में बदलाव हुए थे, जो उनका पहला बैच, और 2021 में 15 स्थानों के दूसरे बैच की घोषणा की गई थी।